इजरायली सेना ने कहा कि वह जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाके में ऑपरेशन शुरू करेगा। जानकारी के मुताबिक सेना ने लेबनान के लोगों को समुद्री तटों से दूर रहने की सलाह दी है। मछुआरों को भूमध्य सागर में 60 किलोमीटर तक ना जाने की चेतावनी भी दी गई है। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने सोमवार को एक घंटे के भीतर साउथ लेबनान में 120 से ज़्यादा हिजबुल्ला ठिकानों को निशाना बनाया। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस हमले में कम से कम 10 फायर फाइटर्स की मौत हो गई है। इसके अलावा अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। इजरायली सेना का दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इस दौरान सोमवार को 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। लेबनान में अब तक 11 इजरायली सैनिकों की जान जा चुकी है। उधर इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्ला को लेबनान में सोमवार को 190 रॉकेट दागे, इसमें कम से कम 9 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा बुनियादी सेवाओं को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना ने कहा कि हाईवे और कई घरों पर सीधे हमले किए गए हैं। इजरायली सेना ने सोमवार को बेरूत पर हमले में हिजबुल्ला हेडक्वार्टर के कमांडर सुहैल हुसैन हुसैनी को मार गिराया। हुसैनी पर ईरान से हथियार लाने और हिजबुल्ला के लड़ाकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। हिजबुल्ला ने अभी तक हुसैनी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।